तो सुबह सुबह हम जब 11 बजे देखे अपना ईमेल में, तो हमको आया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड। ओ माई गॉड, हम उस समय इतना चिल्लाए और हम रोने लगे। एंड मेरे मम्मी पापा बोलते कि क्या हो गया। हाई एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल एंड वेलकम टू गेट अनदर वीडियो। सो टूडेज वीडियो इज वेरी स्पेशल फॉर मी एंड आई होप दैट यू गाइज विल लाइक इट। सो इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू लेट यू नो गाइज अबाउट माई जर्नी टू कोरिया, हाउ आई गॉट टू स्कॉलरशिप्स फॉर स्टडिंग इन कोरिया इन जस्ट 6 months। या इन 6 months, एंड वाई डिड आई चूज कोरियन लिटरेचर एज माई मेजर। और ये पूरा वीडियो हिंदी में होने वाला है क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरे घर वाले सब इसको समझ पाए। तो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो माय जर्नी स्टार्ट्स व्हेन आई वाज इन 12th। आई हैड पीसीएम एंड मेरे को मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल समझ नहीं आता था, कितना भी ट्यूशन कर ले बिल्कुल समझ नहीं आता था। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के बदौलत मेरे को 76% तक आ गया था मैं 12th में। तो उसके बाद मेरे पापा बोले भाई तुम्हारा कहीं एडमिशन होने से रहा, इतना कम मार्क्स में कोई गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता। और मेरे आई डोंट बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली, आई बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास। मेरे पापा LIC एजेंट हैं। सो आई अंदर से हमको पहले से पता था कि हमको अगर पढ़ना है तो हमको गवर्नमेंट कॉलेज ही जाना पड़ेगा, हर चीज़ गवर्नमेंट का लाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे मेरा पढ़ाई नहीं हो पाएगा। क्योंकि पापा कितना भी खर्च करना चाहें लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि मेरे पापा जितना कमा रहे उतने में तो पूरे घर चला रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि मेरे पढ़ाई में 1-2 लाख ऐसे पर मंथ पर सेमेस्टर दें। तो आई डिडेंट वॉन्ट दैट। सो 12th के बाद हम सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस का फॉर्म भरे थे, उसमें था CUJ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, JNU एंड BHU एंड जामिया मिलिया इस्लामिया। सो आई डिडेंट गेट इन टू जामिया मिलिया इस्लामिया, सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। JNU में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि JNU का लिटरली बहुत ज़्यादा टफ होता है एग्जाम, और जो फर्स्ट ईयर में आते हैं ना, हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ होता है, एकदम कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा पता नहीं चलता। तो और BHU में मेरा सिलेक्शन हो चुका था पर मेरे को BHU जाना नहीं था, एंड तो लास्ट ऑप्शन था CUJ। तो आई गॉट इन टू CUJ, एंड CUJ में हम 3 सब्जेक्ट भर सकते हैं। जैसे CUSET का एग्जाम देते तो आपको 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भर सकते हैं, वैसे आप 3 CUJ में अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप 3 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो हम मास्कॉम में अप्लाई किए थे, एंड क्योंकि हमको मास्कॉम करना था और मेरे को इंजीनियरिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, हम घर में पहले ही बोल देते आई विल नॉट डू इंजीनियरिंग एट ऑल। सो मास्कॉम अप्लाई किए थे, और कोरियन लैंग्वेज क्योंकि मेरी बड़ी बहन कोरियन लैंग्वेज कर रही थी, माई बड़े पापा की बेटी वो कोरियन लैंग्वेज कर रही थी, तो हम सोचे उसमें अप्लाई कर देते हैं। एंड चाइनीज़ लैंग्वेज, सो चाइनीज़ लैंग्वेज को पढ़ना नहीं था, उसको 3rd ऑप्शन रखे थे। मास्कॉम में मेरा एडमिशन हो गया था, लेकिन जब हम वापस आए एडमिशन करवा के तब मुझको यूनिवर्सिटी से फ़ोन आ रहा है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो गया है क्योंकि आपका मार्क्स का कुछ ऐसे वैसे लोचा हो रहा है। तो इसलिए मेरे को बहुत टेंशन हुआ उस दिन कि अब हम मेरा कहीं और सिलेक्शन नहीं हुआ, हम क्या करें। तो जिस दिन वो फॉर्म आया उसी दिन कोरियन लैंग्वेज का काउंसलिंग था उसमें, तो हम काउंसलिंग में बैठ गए कोरियन लैंग्वेज के लिए, एंड लकीली आई गॉट सेलेक्टेड इन कोरियन लैंग्वेज। लेकिन फिर हम वापस गए, फिर यूनिवर्सिटी जब हम गए बात करने के लिए कि मेरा मास्कॉम में क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन, मतलब हो चुका था फिर कैंसिल क्यों हुआ, तो उन्होंने बोला कि गलती हो गया हमारे से। फिर वो उन्होंने हमें एडमिशन दे दिया, लेकिन आई कैंसिल दैट और हम कोरियन लैंग्वेज में चल गए। तो फिर फर्स्ट ईयर हम कोरियन लैंग्वेज में बहुत इन्जॉय किया, हम कुछ भी नहीं पढ़े, मतलब सिर्फ बेसिक्स क्लियर रख लिए ताकि कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर में, लेकिन हम और ज़्यादा पढ़े ही नहीं, कुछ नहीं करे। टॉपिक क्या होता है, टॉपिक 1 तक नहीं निकल रहा था मेरे से, इतना गंदा था मेरा कोरियन, मतलब गंदा नहीं था, बेसिक पता था, बाकी हम कुछ नहीं पढ़ते थे, बस अय्याशी करते थे फर्स्टली। ओ माई गॉड, सॉरी मम्मी। एंड उसके बाद जब सेकेंड ईयर आया तो JNU CUJ चुनने का एक रीज़न था कि JNU में लेटरल एंट्री होता है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में JNU में होता है कि आपको रिटर्न देना होगा कोरियन लैंग्वेज में, फिर आपको इंटरव्यू देना होगा कोरियन लैंग्वेज में विद इन फ्रंट ऑफ अ पैनल जिसमें सारे टीचर्स बैठे रहते हैं, सारे के सारे JNU के सारे टीचर्स। को पता नहीं था इसके बारे में क्योंकि मेरे जो सीनियर्स थे वो लोग इसमें अप्लाई कर रहे थे सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री के लिए, तो मेरे को पता नहीं था इसके बारे में ज़्यादा कुछ। तो जब मेरे सीनियर्स चले गए, उस जब मेरे सीनियर्स का एडमिशन हुआ तो उस समय 15 सीट था लेटरल एंट्री में JNU में, अचानक से इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो 15 सीट था और बहुत लोगों का सिलेक्शन हो गया। क्लास में भी कुछ लोग थे जो अप्लाई कर दिए थे, और हम बोले कि हम बहुत अय्याशी करते थे, तो हमको कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है,
इसलिए हम नहीं कर पाए अप्लाई। जो लोग मेरे से भी गंदे थे वो हम लोग हमें टॉन्ट मार के जा रहे हैं कि हम जब पढ़ते थे तो तुम अय्याशी करती थी और अब हम जा रहे हैं तो तुम रो। वॉज नॉट नोइंग एनी थिंग अबाउट दिस लेटरल एंट्री और हमको पता नहीं था तो फॉर्म नहीं भरे। और जब वो ऐसा बोली वो लड़की हमें, बहुत ज्यादा दिल पे लगा हमको वो बात। मतलब आई कांट हैंडल दैट, आई डिडंट हैंडल दैट। एंड हम अपने आप को एक चैलेंज दे दिए कि अब हम ना जो भी होगा मेरे साथ वो बेस्ट ही होगा और हम सबसे बेस्ट रहेंगे। हम जल्दी से तैयारी करना शुरू किया। हम फर्स्ट जब ये न्यूज़ आया तो उसके में 2 महीने भी हम पढ़ना शुरू नहीं किए थे, लेकिन फिर दुर्गा पूजा का टाइम था और 10 दिन हम घर पे थे और 10 दिन हम इतना ज़्यादा पढ़े, इतना ज़्यादा, मतलब अभी जो भी मेरा बेस है कोरियन का वही 10 दिन के वजह से ही है। बहुत ज़्यादा पढ़े हम उस 10 दिन में। और मेरी मम्मी बोलती थी इतना तुम 10th और 12th में भी नहीं पढ़ी थी। सो यार 10 दिन पढ़ के और मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया। और सीनियर्स जब गए थे तो 15 सीट था और हम जब हमारा टाइम आया 6 सीट हो गया, जिसमें से 3 रिजर्वेशन कोटा था और 3 जनरल था, तो मेरे लिए सिर्फ 3 ही सीट था। सो आई वॉज फाइटिंग फॉर दैट 3 सीट। आई गॉट JNU और उसके बाद हमारा इंटरव्यू का टाइम आया तो इंटरव्यू क्लियर हुआ, हमारा सब कुछ क्लियर हो गया जब हम JNU पहुंच गए। उसके बाद JNU जाके भी, अब JNU आ गए, अब इसके आगे हमको कुछ नहीं दिख रहा था कि हमको कोरिया जाना है, कोरिया में पढ़ना, कुछ नहीं, हमको बस लगा था अब बेस्ट यूनिवर्सिटी में आ गए, अब यहीं पर। फाइनल में ईयर में जब हम आए तो हमको लगा कि हमको थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए क्योंकि अब थोड़ा जॉब का करने का टाइम है, क्योंकि हम ये सोचे नहीं थे कि हमको मास्टर्स करना है आगे। ये तो हम फाइनल ईयर में ऐसे करने लगे कि हम ट्रांसलेशंस करते थे, हम इंटरप्रिटेशंस करते थे। मेरा पहला इंटरप्रिटेशन था तिहाड़ जेल में, और जो कि हम किसी को भी नहीं बताए थे घर में, क्योंकि और जब हम बाद में बताए कि पापा को कि हम तिहाड़ जेल गए थे इंटरप्रिटेशन करने, तो वो उस समय पूरा खुश हो गए, मतलब ले हमको पहले बता देना चाहिए था इनको। तो हम किसी को बताए नहीं थे तिहाड़ जेल में हम इंटरप्रिटेशन करने के लिए जा रहे हैं। और वहाँ पे गए हम, वहाँ पे एक जो भी था इंटरप्रिटेशन किए, उसके बाद हम बहुत सारा ट्रांसलेशन का जॉब्स किए, ट्रांसलेशन हमको मिला है फ्रीलांसिंग। और आई वॉज टीचिंग इन अ कोरियन लैंग्वेज अकेडमी, आरिरंग कोरियन अकेडमी, जो कि द्वारका में है, एंड यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट एंड इफ़ यू वॉन्ट देन यू कैन गो दे। तो आई डिड दैट एंड आई राइट पोएम्स ऑल्सो इन कोरियन, एंड वन ऑफ माई कोरियन पोएम्स इज पब्लिश इन अ कोरियन मैगजीन। सो दीज रीजन्स, इस सारे रीजन के वजह से हम अपने मेजर में कोरियन लिटरेचर लिए। तो कैसे हम स्कॉलरशिप के बारे में पता चला और हम कैसे अप्लाई किए, तो ये हुआ कि एक दिन फ्रेंड कुलबीर, वो मास्टर्स में थी जब हम 3rd ईयर में थे, और वो मास्टर्स के लिए अप्लाई की थी कोरिया में डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में, वो KGSP स्कॉलरशिप से अप्लाई नहीं की है, वो किसी और स्कॉलरशिप से अप्लाई की, वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप होता है। अब यूनिवर्सिटी के साइट्स में कहीं भी देख सकते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी में जाना अगर वो स्कॉलरशिप ऑफर करती है नहीं, तो वो जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया उसका नाम है एकेडमी ऑफ कोरियन स्टडीज, और वो यूनिवर्सिटी टॉपिक 4 जिनका रहता है या टॉपिक 4 या अबव उनको सिलेक्शन देती है। तो वो उसमें अप्लाई की थी, तो उसका भी वैसे कुछ नहीं था कि उसको जाना है, लेकिन वो अप्लाई कर दी और लकीली उसका सिलेक्शन हो गया। वो भी बहुत मेहनत की थी इसके लिए, और उसका 17 और 5 2020 को फ्लाइट था। उसको जब हम एयरपोर्ट छोड़ने गए तो हम एयरपोर्ट देख के ऐसा लग रहा था कि अब हम 6 महीने के अंदर अंदर कोरिया जाएंगे, एंड वही हुआ, हम 6 महीने के अंदर अंदर कोरिया आ गए। 6 महीने के 4 दिन पहले, 4 या 3 दिन पहले ही आ गए हम। वेंट टू माई रूम एंड अपने आप को एक छोटा सा नोट लिखा कि कोरियन में लिखा कि आई विल गो कोरिया दिस ईयर, एंड वो अपने रूम में चिपका दिया। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज द लिंक इज बिलो, प्लीज गो एंड चेक माई इंस्टाग्राम द हाईलाइट्स, वहां पे कोरिया का हाईलाइट बना होगा और उसमें आपको मिल सकता है वो नोट जो हम लिखे थे, और आई अपलोडेड इट ऑन माई इंस्टाग्राम। सो उसके बाद उसको हम देखते हैं, हमको कुछ पता नहीं था कि हम कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे, कैसे कुछ भी करके हमको बस जाना है, और हमको ये लिख के हम रखे थे। तो यहाँ हम 6 महीने के अंदर आ गए, एंड शी वॉज माई मोटिवेशन ऑब्वियसली। तो एक दिन हम सरोजनी नगर गए हुए थे, और वापस आने के रास्ते में हमारे ग्रुप में मैसेज आया कि POSCO स्कॉलरशिप है, वो निकला हुआ है। तो POSCO स्कॉलरशिप का ये था कि वो सारा बेनिफिट्स जो है वो GK स्कॉलरशिप जैसा है, लेकिन उन एयरफेयर नहीं देते हैं। और अप्लाई करने, जब मेरे को पहले नहीं पता था कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और सिलेक्शन के बाद आपको अपने अकाउंट में 15 लाख रुपीज
कोरियन वन से कन्वर्ट होके जितना होता है पैसा, 15 लाख रुपीज अपने अकाउंट में शो करना पड़ता है एडमिशन के लिए। आई अप्लाइड फॉर पॉस्को और हम बहुत उसके लिए मेहनत किए, लेकिन JNU में उस समय स्ट्राइक चल रहा था और हमारा ग्रेड शीट मिल नहीं रहा था हमें। उस सेमेस्टर का लास्ट सेमेस्टर का ग्रेड शीट नहीं मिला, लास्ट के लास्ट सेमेस्टर का ही ग्रेड शीट हमारे पास था। तो आई आस्क्ड माई HOD टू राइट अ बोनाफाइड फॉर मी दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ JNU, एंड उसको मिला के हम अप्लाई कर दिए। तो मेरे पास मार्कशीट भी फुल नहीं थे और बहुत फिर बहुत लोग अप्लाई किए, पूरे इंडिया में सिर्फ 2 सीट था। तो हमको लगा कि सिर्फ मेरा कैसे हो सकता है, तो हम बस अप्लाई कर दिए थे और बहुत लोग हमको ये बोले थे। और उसमें भी हम कोरियन लिटरेचर में अप्लाई किए थे, मेरा मेजर, क्योंकि हमको जब इंटरेस्ट कोरियन में लिटरेचर में है तो हम और किसी में कैसे अप्लाई कर सके। तो मेरे को बहुत लोग बोले ये कि तुम लिटरेचर क्यों पढ़ रही हो, कोई स्कोप नहीं है। लेकिन भाई बहुत स्कोप है, लिटरेचर ले रही हो तुम्हारा शायद ना हो इसमें, क्योंकि पॉस्को एक कंपनी है तो ये जो MBA करते हैं और उनको ज्यादा सिलेक्शन होता है। लेकिन हम उसी समय रोने लगे कि हम मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम फिर भी अप्लाई किए क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बोला कि अप्लाई कर दो, एंड दे हेल्प मी अलॉट। मतलब अनन्या SOP में मेरे को बहुत हेल्प की है, एंड अंकित मेरे सबमिशन में हेल्प किया है, सब चीज मेरे फ्रेंड्स आर द बेस्ट एंड दे हेल्प मी अलॉट। फाइनल जो डेट था उसमें हम पॉस्को एप्लीकेशन सबमिट कर दिए। उसके बाद एक मंथ के बाद मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए भी, लेकिन एक मंथ के बाद जितने लोग भी सेलेक्ट अप्लाई किए थे किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, और मेरे को और मेरी एक दोस्त है उसका सिलेक्शन हुआ बस। तो हम दोनों का इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ और इंटरव्यू के लिए कॉल आया कि आपका इंटरव्यू होगा। 3 लोग बैठेंगे, एक कोरियन थे और 2 इंडियन थे पॉस्को कंपनी के, एंड इंटरव्यू वॉज अबाउट 20 मिनट्स, एंड मेरा इंटरव्यू कोरियन में हुआ था और इंग्लिश में भी हुआ था। तो क्योंकि 2 ही सीट था इंडिया में तो हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि इंटरव्यू के बाद भी मेरा सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन हम फिर भी उसके इंटरव्यू देने से पहले ही हमको KGSP के बारे में पता चला, GK स्कॉलरशिप के बारे में। तो मेरे टीचर फोन करके बोलते हैं कि GK स्कॉलरशिप आ चुका है तो आप भर सकते हैं। तो आई वॉज वेरी इन टू GK स्कॉलरशिप, क्योंकि मुझे पता था मुझे पॉस्को मिलने से रहा, हमको 2 ही सीट है और GKS में इस बार इंडिया कोरिया रिलेशन बहुत अच्छा होने की वजह से इंडिया के लिए बहुत सीट बढ़ा दिया था। तो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, तो हम GKS के लिए तैयारी करने लगे। तो ये हुआ कि जब मेरा पॉस्को का इंटरव्यू खत्म हुआ तो 16 तारीख को इंटरव्यू था और इंडिया में लॉकडाउन शुरू होने वाला था, तो हमारा यूनिवर्सिटी बंद हो गया था। तो GK स्कॉलरशिप के लिए बहुत कम टाइम बता था कि उसका एप्लीकेशन जमा करें। तो हम लोग 17 को हमको घर आना था और 17 को सुबह सुबह हम GK का पूरा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए एवरीथिंग, एंड सब कुछ उसी दिन जाके सबमिट किए हम MHRD में, एंड बहुत जल्दी सब कुछ हुआ, फिर घर आए। उसके बाद 31st of March हम सुबह सुबह, मेरे को आदत है ये कि हम सुबह सुबह उठ के अपना ईमेल चेक करते हैं, तो सुबह सुबह हम जब 11 बजे देखे अपना ईमेल में तो हमको आया है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सेलेक्टेड। ओ माय गॉड, हम उस समय इतना चिल्लाए और हम रोने लगे, एंड मेरे मम्मी पापा बोलते कि क्या हो गया क्या हो गया, तो हम ना पूरा रोने लगे, उनको कुछ बता ही नहीं रहे क्या हो गया। फिर अंकित का फोन आया, अंकित के सामने हम सब रोने लगे, उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे बताएं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। लेकिन जब हम सबको बताना शुरू किया तो मेरी मम्मी सब जगह फोन कर लेगी, जब सिलेक्शन हो गया। अगले दिन ये पता चलता है कि अभी मेरा सिलेक्शन स्कॉलरशिप मिलेगा हमको पढ़ने के लिए, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी जिसमें हमको जाना है उसमें हमको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा, और फॉर्म का दाम था 6,000 रुपीज। और हम सोचे कि अगर हम GKS अप्लाई कर रहे हैं तो हम इसमें क्यों वेस्ट करें अपना पैसा, तो हम उसको ड्रॉप कर दिए, वो स्कॉलरशिप हम ड्रॉप कर दिए, और हम वेट करने लगे कि हमको GKS का क्या आता है रिप्लाई। हमको बहुत दिन वेट करने के बाद मेरे को रिप्लाई आया कि MHRD से कि इतने बच्चे का सिलेक्शन हुआ, 45 to 50 अराउंड थे, कि इतने बच्चे का MHRD ने सिलेक्शन किया है और इनका नाम जा रहा है एम्बेसी से। तो आफ्टर दैट वी वेटेड कि एम्बेसी का क्या रिप्लाई आएगा। तो एम्बेसी का हमारा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद एम्बेसी का इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू इज वॉज लाइक 5 मिनट्स, जो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, बस 5 मिनट्स, एंड बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे थे वो। लेकिन सबसे बड़ा इंटरव्यू उसके बाद हुआ मेरा, NIID जब एम्बेसी अप्रूव कर दिया तो NIID ED को चला गया था फॉर्म हमारा, NIID का सिलेक्शन हो गया। तो हम एम्बेसी ट्रैक से थे तो 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में मेरा फॉर्म गया था, जैसे कि हम बताए थे BUFS, बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज, योनसे यूनिवर्सिटी एंड ईवा यूनिवर्सिटी। BUFS से मेरे को कॉल आता है, इंटरव्यू का कॉल आता है, तो और पूरा इंटरव्यू कोरियन में था, अबाउट 20 मिनट्स, एंड दे वर रियली हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस। दे सेड
इंटरव्यू के समय ही बोलते हैं कि आई एम होपिंग टू मीट यू सून इन आर कैंपस, एंड उसके बाद मेरे को ईमेल आता है कि यू आर सेलेक्टेड एंड ये कंफर्म हो गया है कि अब हम कोरिया जा रहे हैं, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी में जाए कोरिया जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरे अंदर था कि हमको योनसे जाना है। लेकिन उस दिन के बाद, अगले ही दिन योनसे का आता है मेल कि यू आर नॉट सेलेक्टेड, आई एम सॉरी, ट्राई योर बेस्ट अगेन, ऐसे करके कुछ, नॉट सेलेक्टेड। तो इतना बहुत उदास हुए थे, लेकिन हम कंट्रोल किए अपने आप को कि फिर हम सोचे कि ईवा ऑप्शन बचा है एंड ईवा इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन कोरिया, और कोरियन लिटरेचर के लिए पूरे एशिया में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है। तो जब मेरा ईवा में सिलेक्शन हो गया, अब हमको फाइनल था कि ईवा में ही जाना है, एवरीथिंग वॉज डन। कोरोना का टाइम चल रहा था तो बहुत लोग बोल रहे थे तुम जाओगी कैसे, तुम्हारा सिलेक्शन तो हो गया, तुमको एक्सटेंशन लेना पड़ेगा ये वो। लेकिन आई वॉज लाइक नहीं, हम इसी साल ही जाएंगे। बहुत लोग एक्सटेंशन भी लिए हैं, वो मार्च में आएंगे, लेकिन आई वॉज लाइक नहीं, हमको इसी साल ही जाना है। फ्लाइट्स बंद हो गए हैं, नहीं जा सकते। लेकिन फिर कोरियन गवर्नमेंट एंड कोरियन एम्बेसी इन इंडिया दोनों का बात हुआ, और वो चार्टर्ड फ्लाइट अरेंज हुआ हमारे लिए। हालांकि उनका बहुत ज्यादा फीस था, दाम था, और हमें वो पे करना पड़ा, लेकिन वो रीएम्बर्स हो चुका है हमारा, आ चुका अभी तक पेमेंट, अब पैसा आ चुका है वापस। तो ये हुआ कि हमें पैसा, हम आ गए कोरिया, अब हम पढ़ रहे हैं। और सीरियसली, ड्रीम्स कम ट्रू गाइस, आप लोग जो करना चाहते हैं ना उसके लिए मेहनत करो। क्योंकि आपको, अगर ये सोच के करोगे कि इसमें कोई स्कोप नहीं है, इसमें कैसे करोगे, कोरियन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इसमें कोई स्कोप नहीं है, क्या होता है, बहुत स्कोप है। यू कैन वर्क इन एम्बेसी एज अ प्रोफेसर, यू कैन बिकम अ राइटर, अ पोएट, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, यू कैन वर्क इन एमएनसीज, बहुत फील्ड है। लेकिन आपको ये सोचेंगे कि इसका क्या मिलेगा, हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, तो ऐसे तो कुछ भी काम नहीं होता। क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं तो आपको बहुत मुश्किल से जॉब मिलता है अगर आपके पास स्कोप नहीं है। एंड द वन थिंग एज अ लैंग्वेज स्टूडेंट आई एम सेइंग कि अगर आपको लैंग्वेज पढ़ना है तो ऐसा नहीं काम चलेगा कि आपको इतना सा आता है तो आप कर लीजिएगा। क्योंकि आपको लैंग्वेज में, इस फील्ड में आपको बेस्ट होना होता है। क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आ रहा है ना, तो अगर सामने वाले को लैंग्वेज आ रहा है तो आपका कोई वैल्यू नहीं है, उसको ले लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका गवर्नमेंट जॉब हो गया, आपको रखा जाएगा। आपको लैंग्वेज नहीं आ रहा तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो इफ यू आर टेकिंग लैंग्वेज, देन आपको इसमें बेस्ट होना पड़ेगा, और बेस्ट होने के लिए आप, यू हैव टू वर्क हार्ड। क्योंकि हर चीज जो आपको मिलेगा वो आपको काम कर, मेहनत से ही मिलता है। एवरीथिंग इज मेहनत, एंड यू हैव टू डू मेहनत। सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो, एंड थैंक यू टू सपर्णा दास एंड परी फॉर सजेस्टिंग मी टू मेक दिस वीडियो। आई रियली फेल वेरी गुड आफ्टर मेकिंग दिस, आफ्टर सीइंग एवरीथिंग आई वॉन्टेड टू से एंड दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, स्नैपचैट ग्रुप, एवरीवेयर यू वॉन्ट, एंड प्लीज फैला दो इस वीडियो को पूरा। And please give this video a thumbs up and comment down below अगर आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर किया, that would mean the world to me guys, please. So yeah, let's meet in the next video. Bye.